योगी जी आए हैं। लो ये भी फतह हो गया। पत्रकार समृद्धि के सकुनिया ने लगाए भाजपा पर हिंदू राष्ट्र के गानों को बढ़ावा देने के आरोप। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। पत्रकार समृद्धि के सकुनिया आरडब्ल्यू न्यूज नेटवर्क के लिए काम करने के अलावा एक सक्रिय यूट्यूबर हैं। 21 वर्षीय पत्रकार समृद्धि के सकुनिया ने पिछले कई महीनों के यूट्यूब वीडियो में लव जिहाद से लेकर किसानों के विरुद्ध ईंधन की कीमतों, नंदीग्राम की घटना, नए आईटी नियमों और ट्विटर विवाद तक कई मुद्दों पर टिप्पणी और रिपोर्टिंग करते हुए देखी गई हैं। अब पत्रकार समृद्धि के सकुनिया ने ट्विटर पर एक साथ कई ट्वीट कर यह आरोप लगाया है कि हिंदुत्व के पॉप सिंगर नफरत की राजनीति को हवा दे रहे हैं और भाजपा उन्हें बढ़ावा दे रही है। उन्होंने द कारवा इंडिया को टैग करते हुए लिखा, हिंदू राष्ट्र ओएसटी फॉर हिंदुत्व के पॉप गायक किस तरह से नफरत की राजनीति को हवा दे रहे हैं, ये समझने के लिए मेरे साथ रहें कि इन गायकों को सत्ता में बैठे लोगों को कितना समर्थन मिलता है, कैसे उनके गानों को सबसे ज्यादा पहुंच मिलती है, इन गानों से कैसे बड़ी बीजेपी की लोकप्रियता। अपने दूसरे ट्वीट में पत्रकार सकुनिया ने लिखा, अप्रैल में रामनवमी के जुलूस के दौरान कई राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। ज्यादातर मामलों में भड़काऊ गीतों का उपयोग करने का पैटर्न समान था और हिंदू भीड़ मुस्लिम क्षेत्रों में प्रवेश करती थी, तलवार और लाठी लेकर सांप्रदायिक नारे लगाते हुए और तेज संगीत बजाती थी। अपने एक और ट्वीट में वो लिखती हैं, रैलियों के इर्द गिर्द कला अक्सर एक विशेषता रही है, मंदिर वही बनेगा, कुख्यात राम रथ यात्रा में रोता है, लेकिन इस बार की हिंसा के बारे में अंतर है, ये उस तरह के गाने हैं जो बजाए जाते हैं, ऐसे गीत संस्कृति का हिस्सा हैं, मोदी युग में हिंदुत्व परिस्थितियों का तंत्र उभरा है। अपने एक और ट्वीट में वो लिखती हैं, हिंदुत्व इंडस्ट्री में कई तरह के हितधारक हैं जो भारत को आतंकवादी, जिहादी, पश्चिमी संस्कृति और हिंदू धर्म को नष्ट करने की कोशिश करने वाले लोगों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सर्कुलेशन बीजेपी आईटी सेल द्वारा समर्थित है जो ऐसे कई गानों को बढ़ावा देता है। वहीं पत्रकार समृद्धि ने ट्वीट करते हुए लिखा, पहला कन्हैया मित्तल। कन्हैया मित्तल एक बढ़ती हिंदुत्व सनसनी, मित्तल को भजन सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने जनता से भाजपा और योगी को वोट देने का अनुरोध करते हुए अपना प्रसिद्ध गीत जो राम को लाए हैं हम उनको लेंगे गाया। उन्होंने उन सभी 5 राज्यों में प्रदर्शन किया जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले थे। इसके बाद वो लिखती हैं कि हालांकि मित्तल बीजेपी से सीधे तौर पर जुड़े होने का दावा नहीं करते हैं, लेकिन उनका ट्विटर फीड बीजेपी नेताओं के साथ उनकी तस्वीरों से भरा पड़ा है। उन्होंने अपने गाने का जिक्र करते हुए आदित्यनाथ की एक क्लिप भी शेयर की। मित्तल हिंदू धर्म के प्रति अपने प्रेम पर जोर देते हैं। भारत पहले से ही एक हिंदुत्व देश है। मैं कोई 10 साल से नरेंद्र मोदी का नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ 2.5 साल से नाम ले रहा हूँ, क्योंकि 2.5 साल पहले ही मेरे राम मंदिर का फैसला कोई नहीं कराया। इसके बाद उन्होंने लिखा, दूसरा संदीप आचार्य। आचार्य वर्षों से चर्चा में हैं। वे मुसलमानों पर अपमानजनक, घृणा और भड़काऊ टिप्पणियों से भरे हुए हैं। वे 8 साल के थे जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। नफरत देखी है और अब वे नफरत उनके गीतों में घुस गई है। आगे वो लिखती हैं, ये अवृत भाषा नहीं है, ये सच्चाई है। आचार्य ने नफरत भरे गीत बनाने पर आचार्य का मानना है कि चूंकि मुसलमानों को भारत में रहने की इजाजत है, इसलिए उन्हें अपनी सीमा के भीतर रहना चाहिए। उन्होंने गोरखपुर वाले बाबा गीत बनाने के बाद योगी आदित्यनाथ के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बात की। आगे वो लिखती हैं, 3 प्रेम कृष्णवंशी। प्रेम कृष्णवंशी संदीप आचार्य को अपना गुरु मानते हैं। प्रेम ने यूपी चुनाव के दौरान भाजपा के लिए प्रचार करने का दावा किया। प्रेम मुसलमानों के प्रति किसी भी तरह की नफरत से इनकार करते हैं, लेकिन इस्लामोफोबिक गाने बनाने से नहीं कतराते हैं। साथ ही फेसबुक पर भी अपमानजनक पोस्ट करते हैं। आगे समृद्धि लिखती हैं, चुनाव से कुछ महीने पहले प्रेम ने बताया कि कैसे उन्हें योगी आदित्यनाथ के ऑफिस के किसी करीबी का फोन आया कि वो योगी के लिए गाने कंपोज करें। प्रेम को मृत्युंजय कुमार ने भी सम्मानित किया है। उनके गाने बीजेपी आईटी सेल द्वारा अपने आप उठाए जाते हैं और सोशल मीडिया पर प्रचारित किए जाते हैं। समृद्धि के सुकनिया ने आगे लिखा, 4 लक्ष्मी दुबे। लक्ष्मी दुबे कभी भी बीजेपी को समर्पित अपने काम और पार्टी से मिली मदद का जिक्र करने से नहीं कतराती हैं। मुस्लिम बच्चों को हिंदुओं को मारना सिखाया जाता है जिन्हें वे काफिर मानते हैं। हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। वे धर्म निरपेक्षता के विचार की आलोचना करती हैं। वहीं अपने आखिरी ट्वीट में वो लिखती हैं, दुबे ने उल्लेख किया कि कैसे वे अक्सर भाजपा के लिए प्रदर्शन करती हैं और यूपी चुनाव में वो गाती हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे निलंबन हैं, लेकिन बीजेपी आईटी सेल ने उनके गानों को प्रचलन में रखा है। जब मेरा चैनल निलंबित हो गया तो केंद्र मेरे बचाव में आया। पत्रकार समृद्धि के सुकनिया के इन ट्वीट्स के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।